मुजफ्फरपुर पुलिस को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस इंटरसेप्टर कार मिली है। इससे ओवर स्पीड वाहनों के चालान भी आसानी से हो सकेंगे। खासकर नेशनल हाईवे पर ओवर स्पीडिंग तथा सड़क दुर्घटनाओं पर नकेल कसने के लिए जिला पुलिस ने कमर कस ली है। ऐसे में यातायात पुलिस को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले की यातायात पुलिस को लेजर गन से लैस इंटरसेप्टर व्हीकल मुहैया कराई गई है। बड़ी बात यह है कि इस व्हीकल के माध्यम से आधुनिक तरीके से पुलिस ओवर स्पीडिंग करने वालों पर लगाम लगाएगी। सुरक्षा सप्ताह के तहत सोमवार से नेशनल हाईवे पर ओवर स्पीड से वाहन चलाना या अन्य यातायात नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ेगा। ट्रैफिक SHO धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस कल से हाईवे पर लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर को पुलिस के सर्वर से जोड़ देगा, जिसके बाद फोटो के आधार पर वाहनों का चालान कर पुलिस वाहन स्वामी के मोबाइल पर मैसेज भेजेगी और चालान की कॉपी उसके रजिस्टर्ड पते पर स्पीड पोस्ट से जाएगा। कल से शुरू हो जाएगी अपर पुलिस महानिदेशक यातायात के पत्र के आलोक में। कल से ही आपको जो N4 लेन पे जो हम लोग की जो गाड़ी जो है बेतहाशा स्पीड में चल रही है, जिससे कि जान माल की जो क्षति हो रही है, जिससे बहुत सारे लोग अपना परिवार खो दे रहे हैं, उन लोगों पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार के द्वारा बिहार सरकार के माध्यम से कल से ही जो है ऑनलाइन चलान जो है गाड़ी वाले के ऊपर चली जाएगी। जो व्यक्ति यातायात नियमों का पालन करते हुए NH से गुजरेंगे उनका लिमिट स्पीड लिमिट में रहता है तो ठीक है, और जिनका स्पीड जो है लिमिट से ज़्यादा है उनको जो है ऑनलाइन चलान उनके मोबाइल पे चली जाएगी। स्पीड का नहीं लगा दिया गया, वो पूरे NH पर हर एक जगह लगाया हुआ है, भारत सरकार के द्वारा NHI द्वारा हर एक जगह पे कैमरा लगाया गया है जहाँ पे आपको कम स्पीड में चलना है।